Hey guys, let's explore with संजीत की और एक धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया का पांचवा ओशन जो कि हमारा साउदर्न ओशन है। गाइस, आप सब तो चार ओशन के नाम जानते ही होंगे जो कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन है। जहाँ एरिया वाइज पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन जाना जाता है। लेकिन हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दुनिया का पांचवा ओशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका है जिसका नाम है द साउदर्न ओशन। तो फिफ्थ ओशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। साउदर्न ओशन का ऑफिशियल डिक्लेरेशन 8 जून 2021 यानी वर्ल्ड ओशन डे पे किया गया है। साउदर्न ओशन हमारे ग्लोब पे साउदर्न पोल के आसपास ही देखने को मिलने वाला है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं हमारे ज्योग्राफिक बुक्स में और हमारे एटलास में। साउदर्न ओशन को डायरेक्टली लिंक करने वाला है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल में होने के कारण इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक साउदर्न ओशन पे नहीं होता। साउदर्न ओशन को काफ़ी पहले से ही रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, लेकिन इसका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन का एक एक्सटेंशन के तौर पर भी माना जाता था। लेकिन साउदर्न ओशन आर्कटिक रीजन में होने के देखने को मिलता है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि हमारे ग्लोब का साउदर्न पार्ट में काफ़ी यूनिक क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलता है जो कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन से पूरा अलग है। साइंटिस्ट ने साउदर्न ओशन को एक ओशन करंट से मार्क किया है जिसका नाम अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ACC, और ये इकलौता ओशन है हमारे ग्लोब पे जो कि ओशन करंट से मार्क किया गया है। बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि सीवियर क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की ग्लेशियर का पिघलना भी एक रीज़न है साउदर्न ओशन का फॉर्मेशन होना। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघले तो ये काफ़ी अलार्मिंग होने वाला है हमारे लिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं और एक नए एपिसोड में। टिल देन धन्यवाद। जय हिंद।